अकबर से मिलने गया था। बड़ी तकलीफ होती है जब उनसे मिलने कब्रिस्तान जाना पड़ता है। मुझे भी यकीन नहीं आता कि तुम्हारे बाबा चले गए। ऐसा लगता है कि जैसे अभी दरवाजा खुलेगा और वो आ जाएंगे। अम्मा अल्लाह की शान देखिए, कितना बड़ा मुनसिफ है। इंसान की गलतियों और खताओं की सजा वो इसी दुनिया में देता है। जो करता है ना इंसान वही भरता भी है इस दुनिया में। किसकी बात कर रहे हो बेटा? उस मक्कार माया की। मिली थी मुझे वहां कब्रिस्तान में। अल्लाह ने उसे भी वहीं लाके खड़ा कर दिया जहां मैं खड़ा था, अपनी माँ की कब्र पे आई थी। क्या हुआ उसकी माँ को? मैंने नहीं पूछा। वो तो ठीक ठाक थी मोमिन। अब्बा भी तो ठीक ठाक थे अम्मा। बेटा तुमने पूछना तो था कि हुआ क्या है। ऐसी औलाद होना तो मौत को आते कौन सी देर लगती है। भाई वो कुरियर आया आपके। कैसा है लेटर? ये लेटर तो आपकी यूनिवर्सिटी का लग रहा है। यूनिवर्सिटी वाले चाह रहे हैं मैं मंडे से फिर से ज्वाइन कर। क्या दिखाई? वाकई इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ। मम्मी यूनिवर्सिटी कैंपस की इंतजामिया ने भाई की तारीफ की। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह बड़ा मुसब्बुल असबाब है। अब देखो तुम अभी सोच ही रहे थे कि फिर से जॉब शुरू करूं और अल्लाह ने सबब बना दिया। मैं वहां जॉब नहीं कर पाऊंगा। अम्मी आप भाई को समझाएं, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ भुलाना पड़ेगा इन्हें।